गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज जो अपन लेक्चर स्टडी कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 15, जिसका टॉपिक है आपका स्ट्रेटजीज इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर परसेप्शन। सो कस्टमर परसेप्शन क्या होता है कि हाउ द कस्टमर व्यू, कि जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको वो किस तरीके से देख रहा है। तो परसेप्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन है किसका, नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का और फीलिंग का, या फिर जो इमोशंस आपके सर्विस को कंज्यूम करते वक्त जुड़े हैं। जब वो सर्विस को कंज्यूम करता है उसके बाद वो सोचता है कि मुझे क्या चीज़ मिली और क्या नहीं मिला। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये दो जो पैरामीटर्स हैं ये किसी भी कस्टमर के परसेप्शन में रोल प्ले करते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी सर्विस को कंज्यूम करता है और वो कंजम्पशन उसकी नीड को सेटिस्फाइड कर देता है, उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल तक होता है, तो कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। अब इस सेटिस्फैक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला होता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ द सर्विस। जो सर्विस शो हो रही है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट वे, यानी जो आपने कहा वो क्वालिटी आपको हर बार मिल रही है तो वो उसको क्वालिटी मानेगा इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। जो रेस्पॉन्स आप चाह रहा है कंज्यूमर आपसे वो उसको मिल रहा है। जो अश्योरेंस चाहिए कि आफ्टर गेटिंग योर कंजम्पशन दिस सर्विस आपको ये सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, ये स्टैंडर्ड लेवल होगा, अगर उसको मिल रहा है। टेंजिबल फीचर्स जो बताए गए थे वो उसको मिल रहे हैं, है ना, तो वो सर्विस क्वालिटी कही जाती है। जैसे हम किसी होटल से खाने की डिलीवरी मंगाते हैं, उसने कहा कि नहीं 20 मिनट में खाना पहुंच जाएगा, और जब भी आप खाना मंगाते हैं वो हर बार 20 मिनट में पहुंच जाता है, तो हम कह सकते हैं ना कि सर्विस डिलीवरी जो है इसकी एक क्वालिटी वाली है। फिर वो सेकेंड फैक्टर आता है पर्सनल फैक्टर। कस्टमर के इमोशंस भी क्या है, सर्विस के सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इमोशंस हैं ये तभी होता है जब उसके का परसेप्शन इस चीज़ के रिगार्डिंग होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ इसलिए चाहिए थी, और वो जो उसका पर्सनल फैक्टर थे वो सेटिस्फाइड होते हैं। फिर तीसरा आता है आपका परसेप्शन ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस। कस्टमर क्या है, जब भी कोई कंज्यूम सर्विस कंज्यूम करता है तो वो उसके वो कंपेयर करता है कि जब उसको सर्विस बताई गई थी और जब उसको सर्विस रिसीव हुई, तो इसमें वो प्राइस को भी इसके साथ कंसीडर करने की कोशिश करता है। फिर आता है प्राइस। कस्टमर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमेशा प्राइस से ही तय करता है कि सर्विस का लेवल प्राइस पे ही डिपेंड है। यदि मान लीजिए आप किसी सर्विस को कंज्यूम करने के हायर प्राइस दे रहे हैं तो उस वक्त आपका एक्सपेक्टेशन लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यदि प्राइस कम दे रहे हैं तो वहीं एक्सपेक्टेशन लेवल भी कम होगा। तो इसी लेवल के साथ साथ उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी इन्फ्लुएंस होता है। देन होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। यहाँ हम देखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड कब होता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी उस सर्विस के साथ एसोशिएट है। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अगर वहाँ पे एम्बियंस अच्छा है, प्रॉम्प्ट सर्विसेज हैं, पर जो फूड है अगर वो खाना अच्छा नहीं है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि वो आपका एम्बियंस देखने नहीं आया था, वो खाना खाने आया था। यदि खाना ही अच्छा नहीं होगा तो वो एम्बियंस देखने के लिए दोबारा तो ना आने वाला है, तो वहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं है। फिर आता है सिचुएशन फैक्टर्स। कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल सिचुएशन फैक्टर्स होते हैं जो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है, जैसे डल वेदर। आप मान लीजिए सर्विस डिलीवरी करना चाहते हैं और मौसम ख़राब हो जाए या कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या है वो अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें देरी हो गई तो आपका को डिलीवरी देर से मिलेगी तो शायद आपको क्या होगा, एक्सपेक्टेशन लेवल कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका घूमने का मन था, आप अम्यूजमेंट पार्क में कहीं गए घूमने गए, जहां आप घूमने गए वहां बारिश होने की वजह से हर तरफ क्या हो गया, कीचड़ हो गई, और आप उसका एंजॉय नहीं कर पाए, तो वहां भी क्या है कि ये सिचुएशन है अनकंट्रोलेबल था नेचुरल कैलेमिटीज़, तो उसको हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते थे बारिश को, तो वहाँ भी क्या है कि वो ये वाले फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं उनके कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में। फिर आता है एट्रीब्यूशन फॉर सर्विस सक्सेस फॉर फेलियर्स। यदि कोई कस्टमर सर्विस को परसीव कर रहा है और वहाँ कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी इफेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए इफ़ द कस्टमर परसीव इंटरनली, वे सोच रहा था कि यहाँ जो सर्विसेज को मिलेगी वो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो पाएगा यदि उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ पे फुलफ़िल हो गई, पर यहाँ जो आउटकम है वो डिपेंड क्या करता है, अदर फैक्टर्स पर।
तो भी वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। फिर आता है आपका स्ट्रेटजीज की कस्टमर परसेप्शन के लिए हमें कौन सी करनी चाहिए। सबसे पहले होता है कि कस्टमर को मैनेज करना चाहिए सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हमें ट्रेंड्स को देखना चाहिए, आजकल के समय में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या प्रोवाइड करवा रहा है, प्रॉब्लम के बारे में समझना चाहिए, उसके बाद ही हम कस्टमर्स के परसेप्शन के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं। फिर आता है एम फॉर कस्टमर क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन एवरी सर्विस एनकाउंटर। जब भी सर्विस कंज्यूमर आपके साथ इंट्रैक्शन करे तो वहाँ उसको 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी जब जब वो आपकी सर्विस को कंज्यूम करने आए तो उसकी जो लेवल है परसेप्शन का वो 100% अश्योरेंस के साथ फुलफिल होगा, तभी वो आपके पास रिटेन होगा। जैसे क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कस्टमर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आप चाहते हैं कि कस्टमर को अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है और यदि वो आसानी से कर पा रहा है हर बार, तो वो क्या समझेगा उस चीज़ के लिए अच्छी सर्विसेज और सेटिस्फाइड रहेगा। फिर आता है प्लान फॉर इफेक्टिव रिकवरी। देखिए कस्टमर सर्विस में क्या होता है कि सर्विस के केस में खास तौर से कस्टमर डिसअपॉइंट कब होता है, जब उसको पहली बार में सर्विस कंजम्पशन ने कोई चीज़ कंज्यूम करी और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ। बट ये ज़रूरी है कि सेकंड टाइम वो चीज़ सुधर जाए। अगर फर्स्ट टाइम में चीज़ें अच्छी हैं तो सेकंड टाइम में भी वो आपके पास लॉयल रहेगा, पर यदि आपका फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया तो कोशिश करिए सेकंड टाइम में उसको उस प्रॉब्लम से नहीं रूबरू होना पड़े, वरना क्या होगा कस्टमर आपके पास से स्विच होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही फैसिलिटेट द अडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या एनकाउंटर को देख रहे हैं, एनकाउंटर जब कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करेगा कि कैसे आप कस्टमर को और ज़्यादा सिस्टम के बारे में इजी बना सकते हैं और उसको ये चीज़ समझा सकते हैं। देखिए प्रोसेस तो सर्विस इंडस्ट्री में है, यदि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है तो कस्टमर को ये चीज़ को समझाना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है कि कैसे कस्टमर को समझा पाते हैं। पर यदि कहीं प्लॉसिबिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी की, आप अपने प्रोसेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। ऐसे ही एनकरेज द स्पॉन्टेनिटी। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर कैन बी यूज टू हायर एम्प्लॉयज़। ये तो हम सबको पता है कि जब भी हमें एम्प्लॉयज़ को रखना है तो हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें रिक्रूटमेंट के वक्त अगर कोई एम्प्लॉयज़ सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर के इंट्रैक्शन के साथ रिक्रूट किया हुआ है तो वहाँ उनको कस्टमर की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी। एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट भी देना पड़ेगा, उनको अधिकार भी देने पड़ेंगे कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। उसके लिए आपका इफेक्टिव मॉनिटरिंग और सुपरविजन होना भी ज़रूरी है। ऐसे ही हेल्प एम्प्लॉयज़ कोप अप विद प्रॉब्लम कस्टमर्स। एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कि उनको हमें ट्रेन करना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम सडनली अकर हो रही है कस्टमर के साथ तो कैसे आप उस प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके एम्प्लॉयज़ का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है मैनेज द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी एट द एनकाउंटर लेवल। वैन एवर द कस्टमर इज एनकाउंटर द सर्विस, जब भी वो किसी सर्विस से आपका एनकाउंटर हो रहा है तो आपको एज ए फर्म क्या मेजर करना है, क्या आपकी सर्विस क्वालिटी हर बार उसी लेवल पे है या नहीं है। ऐसे ही आपको अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एनकाउंटर करते वक्त, मतलब सर्विस एनकाउंटरिंग के वक्त ही फुलफिल करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने पर्सनल्स को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखना है कि अगर कोई कस्टमर प्रॉब्लम होके आ रहा है या पैनिक है तो उसको वहाँ पे कूल करके उसकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। देन रिफ्लेक्ट द एविडेंस ऑफ सर्विसेज। एविडेंस ऑफ सर्विसेज क्या कहती है कि पीपल प्रोसेस फिजिकल एविडेंस, ये हमने पहले भी पढ़ रखे जो हमने 7 P's के अंदर पढ़े थे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कस्टमर क्या है कि एक पॉजिटिव परसेप्शन के साथ अपने घर पर जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट है स्ट्रेटेजीज में, परसेप्शन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जा रहा है क्योंकि ये ट्रेडिशनल के अंदर है। तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो है ही, और इसके साथ साथ आपके ये फिजिकल प्रोसेस पीपल और परसेप्शन ये भी ज़रूर जुड़ जाते हैं। ऐसे ही कम्युनिकेट एंड क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेज। सभी प्रोमिसेस जो हैं पूरे हों ये ज़रूरी नहीं होता, बट यदि आप अपनी कंपनी की कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं, अपनी कंपनी की इमेज को और अच्छा करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए वही फिजिकल कमिटमेंट आप करिए जो कि आपकी कंपनी पूरा कर सकती है। देन कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी एंड वैल्यू थ्रू प्राइसिंग। ऐसे ही प्राइसिंग को क्रिटिकल फैक्टर माना जा रहा है, जो हमने पहले भी पढ़ा, यदि सर्विस के कंजम्पशन में प्राइसेस हायर है और सर्विस की क्वालिटी लो है तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर नहीं आएगा। तो
तो यहाँ आपको अगर हायर प्राइसेस हैं तो हायर सर्विस क्वालिटी रखिए, लो प्राइसेस हैं तो क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है, इसमें हम लो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें कस्टमर परसेप्शन से समझ में आती हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा।